हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मिलेट सीरीज में आज एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बना रही हूँ मिलेट्स ग्रेनोला। तो आपने अगर ग्रेनोला कभी ट्राई किया है और आपको वो अच्छा लगा है तो ये मिलेट्स ग्रेनोला आपको और ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बट इसे ट्राई करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपीज आपको मिलती रहें। इसे मैं बना रही हूँ मिलेट्स फ्लेक्स से। तो ये मेरे पास रागी फ्लेक्स हैं। तो रागी का आटा डिफरेंट होता है और रागी के जो फ्लेक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हम इसे रागी के फ्लेक्स से बनाएंगे। ये है मेरे पास बानियार्ड फ्लेक्स। तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी और डिफरेंट टेक्स्चर के होते हैं, बानियार्ड मिलेट की तरह नहीं होते हैं। तो ये जाएगा बानियार्ड फ्लेक्स। नेक्स्ट आएगा इसमें एक कटोरी बादाम। तो बादाम के फ़ायदे तो हम सब जानते हैं कि कितने हेल्दी होते हैं। साथ में जाएंगे ये सुपर हेल्दी पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, शक्कर, इसको बहुत टेस्टी बनाने के लिए कोको पाउडर, और अब जा रहा है इसके अंदर एक चम्मच कोकोनट ऑयल। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है और अब ये जाएगा पैन में। मैं इसे पैन में कुक करूंगी फॉर जस्ट अबाउट 2 मिनट्स और उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी बेरीज जो इसको हेल्दी भी बनाएंगी और टेस्टी भी बनाएंगी। तो ये जाएंगी इसके अंदर क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ड्राइड स्ट्रॉबेरीज, और ये मेरे पास कोकोनट के फ्लेक्स, ये भी जाएंगे इसमें। इन्हें करूंगी बहुत अच्छे से मिक्स। और ये मेरा सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और सुपर इजी ग्रेनोला बनके तैयार है। आप इसे एज अ स्नैक दूध के साथ या फिर दही के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हो। मेरा फेवरेट है ये दही के साथ। आप इसे आराम से ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हो और कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हो। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और ऐसी धमाकेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। जल्दी आती हूँ अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।